बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। तो ये है बैंक अल बिलाद, इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसका कोड है 1140। तो अब देखें कि इसने मूव अपनी यहाँ से शुरू की, अब ये अपवर्ड मूवमेंट में है। अब देखें यहाँ से इसकी मूवमेंट शुरू हुई है और अब ये अप मूव कर रहा है। और इसने अपना जो 47 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसको अब ब्रेक कर दिया था कल ब्रेक किया, तो इसने अपना और 50 को टच करके ये वापस आ जाया है। तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो ये दोबारा इसको रीटेस्ट करने के लिए अभी आया है। तो अभी आप इसको देखेंगे कि ये 47 को टच करके तो दोबारा ये ऊपर जाएगा। ये टारगेट इसका 50 पहला टारगेट होगा। तो आप इसको 47 पे कल बाई कर सकते हैं और 50 पे सेल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये देखें इसकी अगर रिट्रेसमेंट भी आप देखें तो ये भी 46.9 पे बन रही है और उसकी सपोर्ट भी वहाँ पे ही है। तो उसमें से ये एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि यहाँ से ये बाउंस बैक होके दोबारा 50 पे जाएगा। तो आप इसको 47 पे बाय करें और 50 पे सेल करें। लेकिन एक चीज़ का आप जहन में रखें कि मार्केट में प्रेशर है, तो आप इसको फुल अमाउंट में बाय ना करें। आप इसको अपने 25-30% जो आपकी कैपिटल है उसका बाय करें, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर ये 47, जस्ट मैं आपको स्टॉप लॉस भी इसका बता देता हूँ। अगर आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है तो आप इसका स्टॉप लॉस ये रखेंगे, आप इसका 46.32 इस पे 40 रखें आप। और जब जैसे नीचे क्लोज हो तो आप इसमें से एग्जिट हो जाए और 47 पे आप बाई करें। तो आप देखें आपका लॉस अगर होगा भी तो 1% भी होगा, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपको 10% प्रॉफिट मिल जाएगा, 8% मिल जाएगा। तो इस तरह अपने टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो इसको आप बाइंग कर सकते हैं अगर ये 47 के करीब आता है।